नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। तारीख 16 अक्टूबर, जिस दिन फ्रांस में अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाते हुए छात्रों को पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून दिखाने वाले टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया था और इस्लाम हमारा भविष्य हथियाने का इरादा रखता है जो कभी नहीं होगा कहकर वो मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गए थे। और अभी तक फ्रांस में ये मामला शांत नहीं हो पाया है। विश्व भर में मुस्लिम देश मिलकर फ्रांस को घेर रहे हैं। ईरान की मीडिया ने तो मैक्रोन को राक्षस के रूप में दिखा दिया। उनका कार्टून छापा गया है जिसमें उनके लंबे कान, पीली आंखें और नुकीले दांत दिखाए गए हैं। और किसी देश के लिए जब विश्व भर के मुस्लिम देश इस तरह की भावना रख रहे हो, तो ऐसे में भारत ने फ्रांस का समर्थन देने का फैसला लिया है। फ्रांस और मुस्लिम देशों के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने फ्रांस को अपना समर्थन दिया है। ट्विटर पर फ्रांस का साथ देते हुए मैक्रोन के खिलाफ व्यक्तिगत हमले को अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस में बर्बरता से की गई टीचर के हत्या मामले में कहा है कि ईश निंदा के नाम पर एक शिक्षक सैमुअल पैटी का सिर कलम कर दिया गया। मंत्रालय ने साफ कहा है कि आतंकवाद को किसी भी वजह से और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। हम बर्बर आतंकवादी हमले में फ्रांस के एक शिक्षक की निर्ममता से हत्या किए जाने की भी निंदा करते हैं, जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि हम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन है। जब भारत की तरफ से फ्रांस को स्पष्ट तौर पर इस तरह का समर्थन हासिल हुआ, तो इसके बदले में फ्रांस ने भारत का आभार जताया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद की लड़ाई में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। आपको बता दें, ईरान ने जैसे ही मैक्रोन को राक्षस बताकर उनको इस्लाम का दुश्मन करार दिया है, तो वहीं कुवैत, जॉर्डन, कतर और तुर्की ने भी फ्रांस के खिलाफ अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हो गए हैं। तुर्की के आह्वान पर कई खाड़ी देशों ने फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कुवैत में रिटेल चलाने वाले समूह ने अपनी दुकानों से फ्रांस की कंपनियों के प्रोडक्ट्स हटा लिए हैं। ऐसे हाल में जब भारत का साथ फ्रांस को मिला, तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है चीन के खिलाफ जाकर फ्रांस का भारत को सपोर्ट करना। 15 जून को गलवान में चीन की हिंसा में भारत के 20 जवानों की शहादत पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली ने दुख जताया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी, भारतीय जवानों को खोना बेहद दुखद है, न सिर्फ जवानों के परिवारों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। इन कठिन परिस्थितियों में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ अपना दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन को जाहिर करती हूँ। मैं भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। इससे पहले भी फ्रांस भारत का हर क्षेत्र में सहयोग करता आया है। आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में डालने के प्रस्ताव में भी फ्रांस शामिल था। वहीं भारत और फ्रांस के बीच की ऐतिहासिक राफेल डील भी तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने वाली है। आपको बता दें, साल 2019 में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए थे और इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस के संयुक्त सामरिक सहयोग पर बयान जारी किया गया था। कुल मिलाकर दोनों देशों के रिश्ते काफी पक्के हैं और अब जब फ्रांस मुश्किल हालात का सामना कर रहा है, तो ऐसे वक्त में भारत ने फ्रांस को अपना समर्थन दिया है। हालांकि इस पर आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, क्या फ्रांस को भारत के दिए समर्थन से आप खुश हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।